वैगमॉन बड़ा ही यूनिक सा नाम है। नहीं, ये नाम मैंने 3 साल पहले देखा था जोस्टेल की वेबसाइट पे। ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था जब सडनली नज़र पड़ी कि अरे ये फॉरेन कंट्री जैसा नाम इंडिया में कैसे। बट जब पिक्स देखे भाई मजाक से हटके, मैंने लिटरली वो मोमेंट पे डिसाइड कर लिया था कि यहाँ जाना ही है ज़िंदगी में। और 3 साल बाद फाइनली जब मैं ये ट्रिप पे गया तब मुझे समझा कि इस जगह को वैगमॉन नहीं वागमन बोलते हैं। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये साल मेरा यहाँ पे आने का कोई भी प्लान नहीं था, बट डेस्टिनी तो देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे एक लग्जरी रिसॉर्ट का कॉन्टेस्ट जीत लिया जहाँ मुझे यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टे ऑफर किया गया। अब जब बुलावा आ ही गया है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। तो ये व्लॉग में तुम लोग को क्या देखने मिलेगा, पहले तो 3 रिसॉर्ट जहाँ पे मैं रहा था, 1 लग्जरी, 1 for the backpackers एंड 1 for budget travelers। यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे करें, कौन से प्लेसेस विजिट करें और सारे एक्सपेंसेस। एंड फाइनली द मेसमराइजिंग ब्यूटी ऑफ वैगमॉन, जिसको कैमरा जस्ट शायद ना कर पाए बट फिर भी मैंने कोशिश की है मेरे ड्रोन और Insta360 से। ओके, तो कोची इज द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट टू वैगमॉन, तो मुंबई से कोची का फ्लाइट मैंने लिया जिसका मुझे पड़ा 3600। एयरपोर्ट से यहाँ तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बट मैंने ये गलती नहीं की बिकॉज काफ़ी ब्लॉगर्स ने ये गलती की है। मैंने यहाँ पे एक सेल्फ ड्राइव कार रेंट किया क्योंकि वैगमॉन में घूमने के लिए बहुत कम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। गाड़ी भी यहाँ पे रेंट पे अगर लोगे तो मैं पूरा कॉस्ट डिटेल साइड में डाल दूंगा। तो बेसिकली 1300 पर डे में मुझे महिंद्रा KUV100 पड़ा है, विच इज़ डर्ट चीप आई फील, बिकॉज तुम अगर बाकी लोकेशन में जाओगे तो तुमको बाइक, अच्छी वाली बाइक भी ये कॉस्ट में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे तुमको गाड़ी मिल रहा है, वो भी अगर तुम 4 लोग हो ये गाड़ी में कंफर्टेबली जा सकते हो और कॉस्ट भी एकदम डिवाइड हो जाएगा। तो आई थिंक केरला में जो रेंटल्स है वो काफ़ी चीप है। वैगमॉन कोची से 120 किलोमीटर्स दूर है, 3.5 आवर्स का ड्राइव, एंड ट्रस्ट मी यू डू नॉट वांट टू मिस दिस ड्राइव। अगर दोस्त बोल भी रहे ना कि उसको चलाना है तो नहीं, तुम छीन लो और बोलो कि तुमको ही गाड़ी चलाना है क्योंकि भाई यहाँ के नज़ारे देखो, इतने स्मूदर सीनिक रोड्स पे शायद ही मैंने कार चलाया है। बट प्लीज़ इंश्योर कि यहाँ पे लर्नर्स गाड़ी ना चलाए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स और क्रेजी कर्वी रोड्स आते हैं। फाइनली ऑलमोस्ट 4 घंटे चलाने के बाद हम लोग को दिख रहा है अपना रिसॉर्ट, ये विल माउंट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके बताता हूँ भाई, बहुत ही अमेजिंग रिसॉर्ट है। दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ ये मेरे जिंदगी का 1 of the best days में से एक है। दिस रिसॉर्ट इज लिटरली बिटवीन द फॉरेस्ट, रूम्स विद एन इन्फिनिटी व्यू विद अ पर्सनल टेक जहाँ तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, एंड यू आर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द एंटायर सिटी क्योंकि इससे ऊपर कोई भी रिसॉर्ट नहीं है वैगमॉन में। यहाँ से हम शाम को एक ट्रैक के लिए निकल पड़े टू द हाईएस्ट पॉइंट इन वैगमॉन, कुर्शीमाला, विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय द रिसॉर्ट इटसेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर फेल्ट दिस क्लोज टू नेचर, यू आर लिटरली इन बिटवीन द क्लाउड्स। सो दिस वॉज द लग्जरी रिसॉर्ट जिसका नाम विलमाउंट जियोडेसिक डोम्स है। सारे कॉस्ट डिटेल्स स्क्रीन पे है और ये वीडियो में मैंने कोई भी रिसॉर्ट को इन डेप्थ कवर नहीं किया है, उसके लिए अलग वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। वो इवनिंग को रिसॉर्ट एंजॉय करके मैं नेक्स्ट डे निकल पड़ा वैगमॉन मीडोज के लिए। मीडोज मेरे लिए एक बॉलीवुड के रोमांटिक गाने के लोकेशन जैसा है, ऐसे पूरे जगह पे बुड़ुक बुड़ुक करके लैंड ऊपर नीचे है कर्वी शेप में और बीच में लेक्स भी। ये जगह मस्त चिल मारने के लिए है, या तो तुम एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जैसे रोपवे, बोटिंग, कायकिंग एक्सेट्रा। यहाँ ऐसे ड्रैगन शेप के काइट्स भी मिलते हैं जो आराम से फ्लाई कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ का एंट्री फीस ओनली 10 रुपीज, और मैं तो लॉन्ग वीकेंड पे गया था फिर भी इट वॉज नॉट वेरी ओवर क्राउडेड क्योंकि वैगमॉन अभी तक इतना कमर्शियल नहीं है। बाहर एक क्यूट सा मार्केट है जहाँ तुम केरला आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट डे के लिए, विच इज़ जोस्टेल वैगमॉन। दिस वॉज अ 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मीडोज एंड अगेन सीनिक रोड्स, बट काफ़ी ट्विस्ट टर्न्स एंड स्टीप रोड्स थे। जोस्टेल वाले इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ सकते थे, ऐसा क्यों, खुद के आंखों से देख लो। ये जो ड्रोन शॉट्स में दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा सुंदर था ये जगह। शाम को इतना ज़्यादा फॉग होता है
कि मेरे ड्रोन लिटरली फॉग में खो गया था भाई, कैसे ना कैसे रेस्क्यू कर लिया, बट द शॉट्स वर कम्प्लीटली वर्थ इट। यहाँ का प्राइवेट रूम बेसिक सा है, बट दिस प्लेस इज मेंट ओनली फॉर द व्यूज, स्पेशली फॉर बैकपैकर्स जो पूरे टाइम दोस्तों के साथ बाहर बैठ के चिली तो मारने वाले। एंड यहाँ का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इधर का कॉमन एरिया, ये हो तो रूम में बैठने की क्या ही जरूरत है, और यहाँ से भी तुम मस्त व्यू एंजॉय करते करते बुक वुक पढ़ने की एक्टिंग कर सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं एक ट्रैक के लिए निकल पड़ा टूवर्ड्स द इन्फिनिटी पूल, जो इस हॉस्टल से 20 से 25 मिनट का ट्रैक है। मैं फुल कॉन्फिडेंस में शॉर्ट्स पहन के गया, बट रास्ते में इतने सारे लीचेस मिले कि पूछो मत भाई। फिर एक पार्ट आया जहाँ लिटरली झाड़ियों के बीच में से जाना था, एंड आई वॉज इन प्रिपेयर फॉर द लीचेस। मैं नीचे तक तो नहीं गया, बट ड्रोन से सारा कैप्चर कर लिया। ये वीडियो देखने के बाद मुझे इतना फोमो हुआ, क्योंकि मुझे पानी में डुबकी मारना बहुत पसंद है। बट अगर तुम हॉस्टल में आओ तो दे अरेंज फॉर द एंटायर ग्रुप टू ट्रैक टू दिस प्लेस, उनके साथ जरूर जाना। हॉस्टल के सारे डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और डिटेल रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें कम्प्लीट डिटेल्स ऑफ द रिसॉर्ट। अब बारिश के मौसम में वागमन जैसे सीनिक जगह पे आके अगर बड़ा सा वाटरफॉल एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या ही कर लिया भाई। तो डे 3 पे लिटरली एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंचा द मेजेस्टिक पलोजोकोमपारा वाटरफॉल्स। ड्रोन की आंखों से देखोगे, देखो फिर। खूबसूरत, वहां से निकलती एकदम से भूख लग गया और मुझे ऑथेंटिक केरला फूड खाने का एकदम क्रेविंग कर गया। और वागमन में ऑथेंटिक फूड मतलब अनोखी रेस्टोरेंट। यहाँ तुमको अनलिमिटेड वेज थाली मिलता है जस्ट फॉर ₹90, अनलिमिटेड फिश थाली जस्ट फॉर ₹140। यहाँ का चिकन बिरयानी तो बेस्ट सेलर है भाई। फिर थका थका सा टाइम था मेरे नेक्स्ट रिसोर्ट में चेक इन करने का, विच वॉज हिल चाइन्स रिसोर्ट। दिस वॉज अ बजट होटल जहाँ के रूम्स तो ठीक, बट यहाँ के व्यूज अगेन एकदम अमेजिंग। मतलब वागमन में कहीं भी रह लो, व्यू तो तुमको मिलना ही है। केरला को ऐसे ही नहीं बोलते गॉड्स ओन कंट्री। ये रिसोर्ट काफी सेक्लूडेड जगह पे था, हिल के बहुत ऊपर। एक चीज मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे चाहो तो भी तुमको लंच नहीं मिलेगा, ओनली डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो अगर यहाँ पे आ रहे हो तो लंच जरूर करके आना। कॉस्ट डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मिलिंद, ही वॉज वेरी हेल्पफुल आउट देयर। अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट डे था, तो मुझे जाते जाते वागमन का पाइन फॉरेस्ट तो एक्सप्लोर करना ही था। ये जगह भी कोई बॉलीवुड मूवी के लोकेशन जैसे ही लगता है, जहाँ तुम मस्त मस्त रीला बना सकते हो। इधर जस्ट बैठ के बातें करने में इतना ज़्यादा सुकून फील होता है, आई डोंट नो इतने अलग हैप्पी वाले वाइब्स कहाँ से आते हैं। मे बी इज द नेचर दैट मेक्स यू फील सो काम एंड हैप्पी। यहाँ का एंट्री फी है ₹20 पर पर्सन, एंड कार पार्किंग कॉस्ट ₹50। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने ये वीडियो में जितने शॉर्ट समय में जितना बड़ा आइटनरी कवर कर सकता था मैंने कर दिया, एंड फॉर मी वागमन इज अ 10/10 प्लेस, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इसके बाद मैं लद्दाख जाने वाला हूँ, तो उसके भी वीडियोज आने वाले हैं। एंड अगर आपको देखने हैं महाराष्ट्र में कुछ ऐसे यूनिक रिसोर्ट जो आपने ये वीडियो में देखे, तो मेरे स्क्रीन पे जो वीडियोज है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो।